बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा किचन टिप्स में आपको खुश आमदी। दोस्तों मैं आज आपको पोटैटो के कुरकुरे बनाना सिखाऊंगा, पोटैटो चिप्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये देखें, सबसे पहले बताता हूँ, ये मिर्ची है, लाल मिर्ची पाउडर, और इसके साथ ब्लैक पेपर है, ये नमक है, आप उसमें जायका लेंगे, और ये साथ में चाट मसाला है, ठीक है, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल देंगे, ठीक है। और ये चार आलू में छोटे लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, इनको काटते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाथ से कैसे आप बनाएंगे। हाथ से बनाने का तरीका ये दोस्तों, जैसे आप छोटे छोटे काटेंगे पोटैटोस, लंबे लंबे पीस बनाने चिप्स, ठीक है, इस तरह। ये देखें हमारे स्लाइस छोटे छोटे बन गए हैं, ठीक है, ये स्लाइसर के कटर के हैं, ये देख लें, और ये छुरी से काटे हुए हैं, सेम है बिल्कुल, ठीक है। आप जैसे चाहें वो कर सकें, आप जैसे चाहें काटें, आपके पास जो भी सहूलत मैसर हो आप उससे कर लें। क्या करना है, ये जितना भी पोटैटोज हैं इनको हमने पानी में अच्छी तरह धोना है, इसके लिए मैं एक बाग में पानी लिया, ठीक है, सब इसमें डाल दूँगा, और इनको धो लें अच्छी तरह, स्टार्च जितना भी इसका, ताकि पूरा स्टार्च जो है ना इससे निकल जाए। दो तीन दफ़ा धो लें, उसके बाद ये पानी से निकाल लें और एक कपड़े पर डाल लें, ठीक है, ताकि ये पानी जो है बिल्कुल जो खुश्क हो जाए, उसके बाद इनको तेल में फ्राई करेंगे, ठीक है। इसी तरह बनाए ताकि इसकी जो वाइटनेस है अंदर वो पानी में वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों पोटैटोस को मैंने अच्छी तरह पानी में धो लिया, ठीक तरह से अच्छी से, ये दो से तीन दफ़ा धोया, अभी देखें पानी बिल्कुल साफ़ हो गया, ठीक है, तो अभी इनको हम निकालते हैं, ठीक है। निकालने के लिए दोस्तों, या तो इसको आप 10 से 15 मिनट धूप पे रख दें ताकि पानी खुश्क हो जाए, नहीं तो आप ऐसा वाला कपड़ा ले लें, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इस तरह कपड़ा ले लें और जितना ये पोटैटोज अच्छी तरह इनको पानी निकाल के निचोड़ के इस कपड़े पर डालें और फिर कुछ करेंगे, इस तरह बिछा लें। सब चिप्स ऐसे बिछा देने, ठीक है, और फिर ऊपर से ऐसे ये कपड़े से इसको इस तरह दबाना है ताकि ये पानी जज़्ब कर लें अंदर। ये पानी सब खुश हो गया, इसको इससे पानी खुश कर दो कपड़े से, अच्छे से साफ कपड़े से। और ये पानी खुश हो गया, अभी जो इसमें हम डाल देते हैं
निकाल के और जाके ये कड़क हो गई। ठीक है तो चलो दोस्तों अभी इनको जाके हम अपने तेल में फ्राई करेंगे और फिर बाद में हम इसको लगाएंगे मसाले। दोस्तों चिप्स को आपने लो फ्लेम पर रखना है, ठीक है, और आस्ते आस्ते ऐसे हिलाते रहना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल इनको अलग अलग, ठीक है, ऐसे नीचे से खाते रहना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। आपने ब्राउन हो जाएंगे या फिर हम निकालेंगे तकरीबन ये ब्राउन है करीब है। बाद में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है दोस्तों, ऑयल जो है लो फ्लेम पर रखना है, आस्ते आस्ते साथ में हिलाते हैं चम्मच से। तो दोस्तों ये देखें चिप्स तैयार हो गए हमारे, ठीक है, पहले इनको निकाल लेते हैं और इनका तेल छान लेते हैं ब्राउन हो गए हल्के से। इसमें मिर्ची डाल लेते हैं, चाट मसाला, तो दोस्तों देखें मज़ेदार चिप्स हमारे हो गए हैं तैयार, ठीक है, बहुत मज़े के करा रहे हैं, ठीक है, क्रिस्पी क्रिस्पी, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। आप भी बनाए रेसिपी ट्राई कीजिए, ठीक है, मेरा किचन टिप्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।